सो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो बस स्टैंड पे कोई नहीं है, पूरा का पूरा खाली हो रखा है एकदम। तो गाइस जयपुर जाने के हैं दो तरीके, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट बस जाती है जयपुर की, जिससे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे से सीकर, बिकॉज सीकर में है नवाब, अपन नवाब को पिक करेंगे, और नवाब को पिक करने के बाद अपन जाएंगे रेलवे स्टेशन, सीकर रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद में वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन और वहाँ से जाएंगे अपन जयपुर जंक्शन। तो या जो कुछ भी अपडेट वगैरह होता है तो मैं देता हूँ। तो गाइस ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और अभी तक एक भी बस नहीं आई, और हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, अभी तक कोई भी बस नहीं आई है, ना तो रोडवेज आई है और ना ही कोई स्लीपर वगैरह आई है जिससे हम बैठ के जा सकें सीकर। तो बस अपने पास एक ही इंतज़ाम है, बस इंतज़ार करो, और पीछे से एडिटर को बोल दूंगा गाना लगा दे इंतज़ार वाला। अब गाना सुनो आप। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा। तो लाखों वर्षों इंतजार करने के बाद अपनी बस आ चुकी है, तो चलो बैठते हैं इसके अंदर और चलते हैं सीधे सीकर, और वहां से करते हैं पिकअप अपने नवाब को और चलते हैं जयपुर के लिए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपन स्लीपर के अंदर, और यहां पे आप देख सकते हो चेकआउट करो गाइस, काफ़ी सारी जगह है, और अभी अपन पहुँचे हैं लोसल, तो सीकर जाने में थोड़ा बहुत वेट लगेगा। और बाहर की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, बाकी ये अपना केबिन मिला अपन को, तो यहाँ फटाक से सीकर पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं सीकर की सड़कों पे, और ये थी बस अपनी संजरा नाम से कुछ, तो अपन फाइनली पहुंच चुके हैं, और जस्ट अभी का प्लान कुछ ऐसा है, नवाब पहुंच चुका है रेलवे स्टेशन पे, तो अपन फटाक से आई थिंक ये ऑटो करके चलते हैं रेलवे स्टेशन पे और फटाक से पहुंचते हैं, बिकॉज 5:45 की अपनी ट्रेन है, तो थोड़े बहुत लोकल्स वगैरह और बस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, तो चलो अपन ऑटो पकड़ के चलते हैं सीधे रेलवे स्टेशन। फाइनली पहुंच चुके हैं और अपने यहाँ पे नवाब भाई एकदम सही तरीके से लाओ गए, यहाँ पे एकदम भर्त मिलाओ होते हुए और इनका भर्त मिलाओ होते हुए। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं सीकर जंक्शन, और जस्ट प्लान यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी एकदम स्वच्छ, और यहाँ पे अपना तिरंगा कैसे लहरा रहा है, बस ऐसे ही लहराता रहे। एनीवेज तो जस्ट सामने की ओर वहाँ पे एंट्री वगैरह है, तो टिकट अपने नवाब भाई ने कटवा दिए, तो अपन जाएंगे अभी जयपुर, 5:45 की पूरी ट्रेन है, तो फटाक से चलेंगे। और बाकी तो देखो क्लीननेस की पूरी एकदम सही तरीके से है, वहाँ से नो एंट्री, वहाँ से एंट्री, तो एंट्री से चलते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं वहाँ पे। फाइनली अभी स्टेशन पे अपनी रेल आने वाली है, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स में आ जाएगी, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 5:51 और जस्ट आने वाली है और अपन चलेंगे जयपुर, तो यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं, और बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, बस इतना ही, तो चलो ट्रेन का वेट करते हैं। भाई जनरल में बस की चेक करो कितनी सारी भीड़ है, सभी आए अपन पलसाना, और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो काफ़ी, और ये अपने नए दोस्त बने, हाय कर दो, और यहाँ पे हर्षित पीछे नवाब है, और जस्ट चेकआउट पहुँच चुके हैं और अभी जस्ट निकल लें, और यहाँ पे आप भीड़ चेकआउट करो, और एकदम पूरा खाली वगैरह हो चुका है, और नवाब हाय कर दो, और यहाँ पे हर्षित हाय कर दो, और गाइस पीछे अपने यहाँ पे दोस्त है अंकुश भाई, तो यार चलते हैं अपन फटाक से, और दिन हो चुका है तो फटाक से अपन पहुंचते हैं जयपुर, और बाकी आगे कुछ भी होता है तो मैं अपडेट देता हूँ। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन, और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 8:12 बज रहे, और यहाँ पे ये देखो दोनों अपने साथ
चल रहे हैं और बाकी अपन जस्ट पहुँचे हैं। तो अभी सेंटर ऑलमोस्ट मेरे को नॉर्थ ईस्ट पे पहुँचना है, तो मैं फटाक से पहुँचूंगा सेंटर। तो अब व्लॉग सिर्फ शाम को ही होगा कंटिन्यू। तो या बस व्लॉग में बने रहना बाकी। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से और अभी जा रहे हैं सेंटर की तरफ, और रेलवे स्टेशन से बस अभी निकले हैं। तो अभी जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर और देखते हैं क्या होता है। बाकी ये रहा, वो दोनों आगे आगे चल रहे हैं, जस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो बाकी ई रिक्शा पकड़ के सेंटर पे पहुँचते हैं। यहाँ की भीड़ चेक करो गाइस कितनी सारी है, बहुत भीड़ है गाइस आज, बिकॉज एनडीए के एग्ज़ाम है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे नहीं यहाँ पे चेक कर सकते हो बहुत सारी, और ऊपर है मेट्रो लाइन। तो चलो मेट्रो से अपन कहीं तो कहीं चलेंगे ज़रूर, और फिर उसके बाद में चलेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, या जाना है अपन को। वो रही मेट्रो लाइन, बस चलेंगे अपन थोड़ी देर में। और बाकी तो गर्मी बहुत है जयपुर में, भैया गाइस फाइनली मेट्रो से बाहर निकल चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सीधे के सीधे मेरे एग्जाम सेंटर, जाना पड़ेगा बहुत ज़रूरी है। और जस्ट ये नीचे जाता है और यहाँ से के ऊपर थी मेट्रो लाइन, और अभी अपन जाएंगे नीचे, और मैंने रैपिडो बुक कर लिए, रैपिडो से अपन जाएंगे सीधे अलंकार कॉलेज। तो यहाँ फटाक से चलते हैं, चलना। तो यहाँ पे अपने रैपिडो वाले भैया हाय कर दो भैया। तो फाइनली रैपिडो बुक कर ली है अपने, तो अपन जाएंगे अलंकार कॉलेज। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली सेंटर में पहुंच गया था और एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है मेरा, और अभी सेकंड अटैम्प्ट बाकी है, तो सेकंड एग्ज़ाम देखेंगे और बाकी कुछ खाते पीते हैं। सो गाइस फाइनली एग्ज़ाम दे दी अपने फर्स्ट वाली, अब सेकंड वाली का टाइम हो चुका है, तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है। तो अपन अभी जाएंगे एग्ज़ाम देने और कॉलेज, लाइक मेरा यहाँ पे आया था अलंकार कॉलेज, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे आया था। तो चलो चलते हैं, बैग को फिर से जमा करते हैं और एग्ज़ाम देने चलते हैं, और अब मैं आपको मिलूँगा सीधे एग्ज़ाम देने के बाद। तो गाइस फाइनली अपना पेपर वगैरह हो चुका है और एकदम सही हो गया पेपर। तो अभी अपन जा रहे हैं सिंधी गेम की तरफ, और ये रही जयपुर की सड़कें। तो भैया मिले अपन को 50-50 रुपीस में, लेके जा रहे हैं सिंधी गेम। हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ भैया। तो यह जस्ट पहुँचने वाले हैं, और जस्ट फिर उसके बाद में हमने रूम लिया है, नवादे रूम वगैरह ले रखा है, तो अपन वहाँ जाएंगे। और हर्षित का दूसरा सेंटर आया था, तो वो आतिश मार्ग से आ जाएगा सिंधी कैंप, तो वहाँ पे मिलेंगे अपन। तो यार मैं हर्षित और नवाब आपको साथ में मिलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं अपने होटल पे, और ये है अपनी होटल सिद्धि विनायक होटल। तो इसमें अपने रूम ले रखा है, तो चलो चलते हैं और थोड़ा बहुत आराम वगैरह करते हैं। बाकी अंदर से आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा है, और ऊपर है अपनी होटल। क्या चलते हैं। फाइनली गाइस वी आर इन आवर रूम, ये एसी वगैरह सब कुछ एकदम सही तरीके से। रूम की बात करें काफ़ी बड़ा है और एकदम मस्त भी है। यहाँ का चेक करो, एकदम टीवी वगैरह लग के एकदम मस्त रूम हो रखा है। चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम करते हैं। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं रूम में, और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप मेरे को देख सकते हो, और वहाँ पे देख सकते हो नवाब, हर्षित, और मैं देख रहा हूँ टीन टाइटन्स को पुरानी यादें ताजे करते हुए। फिर उसके बाद में गाइस अपन जाएंगे यहाँ पे एक पिज्जा वर्ल्ड नाम से दुकान है वहाँ पे। तो यार आज का व्लॉग अपन यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और व्लॉग आएगा, आप लोग भी आ जाना नोटिफिकेशन आते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।